हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। आज हम शेयर करने जा रहे हैं बिल्कुल 5 मिनट में बनने वाली आंवले की चटपटी और तीखी चटनी, जो काफ़ी स्वादिष्ट है और साथ में स्वास्थ्यवर्धक भी है। हम सभी जानते हैं आंवले हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसे किसी न किसी रूप में हमें ज़रूर सेवन करना चाहिए। तो हम इस चटनी की रेसिपी को शेयर कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 आंवले को अच्छी तरह से धो लिया है और इसे हम इस तरह से इसका पल्प निकाल लिया और बीज अलग कर दिया। फिर 2 तीखी मिर्ची ले, उसे डालें। तीखापन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 2 मुट्ठी धनिया पत्ती को अच्छे से धोकर साफ करके रफली चॉप करके डालें। फिर इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून सादा नमक डालें। फिर 3-4 चम्मच पानी दे दें और इच्छा अनुसार आप इसमें लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं। अगर नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर दें और इन सब को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। आंवले की चटनी की रेसिपी और भी बहुत सारी हैं, अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ये देखिए, चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे पीसने में हमें 6 से 7 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसे हम सर्व करेंगे, लेकिन सर्व करने से पहले इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जिससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है, वो है मस्टर्ड ऑयल। 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल इसमें डालें और इस चटनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दें, फिर इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए आप समोसा, कचौड़ी या अपने खाने में 1 चम्मच चटनी लें और इसके साथ खाएँ। इससे आपका स्वाद भी बढ़ेगा और सेहत भी अच्छा रहेगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ फिर से कह रही हूँ, एक लाइक ज़रूर करेंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।